मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और इवन जिन एनिमल्स को भी हम एज अस ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उनके बारे में भी आपको पता लगेगा सो लेट स्टार्ट दैप्टर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एन एरोप्लेन वॉज गोइंग अब रोहन होम एरोप्लेन एक दिन रोहन के घर के ऊपर से एरोप्लेन जा रहा था वेन रॉबी सॉ इट ही कॉल्ड रोहन एंड सैड सी वॉट अग बर्ड तो रॉबी ने क्या किया रोहन को बुलाया और दिखाया कि देखो कितनी बड़ी एक बर्ड जा रही है रोहन लाफ्ट एंड सैट तो इस बात को सुनकर रोहन हंसा और उसने कहा दिस इज नॉट अ बर्ड दिस इज एन एरोप्लेन ये कोई बर्ड नहीं है ये तो एक एरोप्लेन है एन एरोप्लेन इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और एरोप्लेन क्या होता है एरोप्लेन इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काम में आने वाली चीज तो दिस इज ट्रांसपोर्ट देर आर डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑन लैंड जमीन पे क्या क्या यूज करते हैं हम वी यूज बाइसिकल्स तो हम इस तरीके की बाइसिकल्स को यूज करते हैं टोंगास, हम इस तरीके के टोंगे को यूज करते हैं ऑटो रिक्शाज जो ऐसे होते हैं आपने रोड पे ऐसे बहुत सारे ऑटो रिक्शाज देखे होंगे इवन समू आप जब स्कूल जाते हैं तो आप वो यूज करते हैं कुछ बच्चे बाइसिकल्स को भी यूज करते हैं Uh, रिक्शा देखा है आपने कार्स uh, देखी हैं कार आपके घर में कार होंगी बसेस हमने रोड पे देखी हैं एंड ट्रेन दीज आर सम ऑफ द ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम रोड पे चलते हुए देखते हैं ट्रेन कैरी थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू फार ऑफ प्लेसेज ट्रेन में तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह एक सिटी से दूसरी सिटी इवन एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में जो अलग अलग बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहां पे भी थाउजेंड्स uh, ऑफ लोगों को ट्रेन लेके जाती है मेट्रो ट्रेन कैरी पैसेंजर्स विद इन सिटी अब जो मेट्रो ट्रेन चलती हैं और एक नॉर्मल ट्रेन जो हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है मेट्रो ट्रेन सिर्फ एक सिटी के अंदर ही चलती है और सिटी के एक ए, ए, एरिया से दूसरे एरिया तक लोगों को लेके जाती है और जो दूसरी ट्रेन जो हम देखते हैं वो एक सिटी से दूसरी सिटी में भी जाती है और लंबी दूरी तक लोगों को लेके जाती है दे रन ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस तो मेट्रो ट्रेन जो होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे चलती है और जो हम नॉर्मल ट्रेन देखते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए होती है तो आप जो यहां पे सारे देख रहे हैं आर द ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड आगे देखते हैं सॉरी इसमें हम आगे देख रहे हैं ऑन वॉटर वी यूज बोट्स एंड शिप्स अब वॉटर में क्या क्या चलता है बोट चलती हैं और शिप चलती हैं शिप टेकस अक्रॉस सीज टू डिफरेंट प्लेसेस शिप्स हमें सी uh, में लेके जाती हैं और दूर दूर तक लेके जाती हैं। तो दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन वॉटर शिप्स एंड बोट इन एयर वी यूज हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन और एयर में हम लोग क्या यूज करते हैं वी यूज हेलीकॉप्टर्स लाइक दिस एंड एरोप्लेन लाइक दिस इन एयर एंड एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और अभी एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट In the air. So, aeroplane and helicopters are the means of transport for air, and aeroplane is the fastest means of transport. So, if somebody asks you which is the fastest means of transport, you can tell them aeroplane is the fastest means of transport. Now, animals are also used as a means of transport. So, we also used animals as a means of transport. So, let's see. एलिफेंट्स आर यूज इन थिक फॉरेस्ट तो हम जब थिक फॉरेस्ट में कहीं जाना होता है तो पीपल यूज एलिफेंट एज ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट कैमिल्स आर यूजोर्ट जब डेजर्ट में जाते हैं तो डेजर्ट में क्योंकि कैमिल इजिली चल पाता है तो वी यूज कैमल एज अस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज अफ द डेजर्ट और कैमिल को शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है तो अगेन इफ समी आस्ट यू

इन लैंड हिल एंड डेजर्ट्स एंड दीज आर दि यूज एज अस ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द एंड ऑफ दैप्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर इसके क्वेश्चन आंसर आप ट्राई कीजिए एंड होप आप इजीली कर पाएंगे इफ यू फील एनी प्रॉब्लम आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं वी विल डेफिनेटली हेल्प यू थैंक यू